सर आज बालूगंज थाने में पहुंचे हैं, क्या कोई पूछताछ हुई आपसे? देखिए अभी तो मैं पहुंचा ही हूँ और मैं धन्यवादी हूँ सुखविंदर सिंह सुखू जी का कि मेरी 2 साल की उम्र हो गई और आज तक मेरे खिलाफ किसी भी पंचायत में, किसी भी थाने में, किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल केस आज तक मेरे जीवन के इतिहास में नहीं गया। आज इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है, चलो सुखू जी की मेहरबानी से पुलिस स्टेशन को देखने को मिल गया। मैं आप सब लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना चाहूँगा और केंद्र सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू जी को कोई गोल्ड मेडल से नवाजे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री, झूठी गारंटियाँ देके प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया और बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार देने के नाम पर ठगा गया। इसलिए बहुत बड़े कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए हैं, प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये देने के नाम से ठगा और 10 लाख के लगभग फार्म जो हैं वो 1500 रुपये देने के भरे गए हैं, सब जो हैं ठंडे बस्ते में डाल दिए, महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं, दूसरा रक्षाबंधन भी चला गया, महिलाओं को 1500 रुपये नहीं मिला। 300 यूनिट बिजली के फ्री देने की बात करी थी, वो तो देने की दूर बात है, जो 125 मिलता था वो भी ख़त्म हो गया। इसलिए हर जगह झूठ बोला गया और मुख्यमंत्री जो हैं वो चंडीगढ़ भी जाते हैं और आज तक के इतिहास में जितने मुख्यमंत्री हुए चंडीगढ़ गए, हिमाचल भवन में सीएम सूट है वहाँ रुकते थे, परंतु सुखविंदर सिंह सुखू जी जब भी जाते हैं 5 स्टार में हयात में रुकते हैं या ताज में रुकते हैं और जब रुकते हैं तो कितनी इनकी कृपा दिली होती है अपने स्टाफ के ऊपर भी कि अपनी सिक्योरिटी को बोलते हैं कि भैया अब मैं भी मौज करूँगा, मज़े में रहूँगा, आप भी जाके मज़े करो, उनको भी दाएँ बाएँ कर देता हूँ। उस समय जब सिक्योरिटी इधर उधर हो जाती है तब कौन लोग मिलने के लिए आते हैं, कौन उन कमरों की पेमेंट करता है, कौन लॉजिंग का, कौन बोर्डिंग का खर्चा बियर करता है, कौन साथ में मित्र होते हैं और कहाँ कौन उनके साथ रुकते हैं, ये भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरा सबसे बड़ा कीर्तिमान हिंदुस्तान में इन्होंने स्थापित किया कि हिंदुस्तान में बहुत से मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने जो है कई कार्यालय खोले, फैसले लिए, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया जिसकी मैं सिफारिश कर रहा हूँ कि इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। वो ये है कि इन्होंने हजारों इंस्टीट्यूशन जो है बंद कर दिए, ये इन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। आज प्रदेश का जो कर्मचारी है वो अपने हकों की लड़ाई कर रहा है, उनको उनके हक नहीं मिल रहे, पूरे देश में DA 50% सबको मिल गया पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को DA जो है वो 34% है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बड़े दरियादिली हैं, इतने दरियादिली हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं पूछने के लिए इतने कैबिनेट रैंक दे दिए कि आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए 2 SD से तीसरा कभी किसने नहीं लगा। एक पॉलिटिकल एडवाइज़र, एक मीडिया एडवाइज़र, ज़्यादा संख्या 4 है। इनके दिल्ली में एडवाइज़र, दिल्ली में मीडिया कोऑर्डिनेटर, चंडीगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में 20 से ज़्यादा, उनके लिए 2.5 लाख रुपया सैलरी, उनके लिए दफ्तर, उनके लिए गाड़ी, उनके लिए बंगला, ये सब चीज़ें देने के लिए सरकार के पास पैसा है, परंतु महिलाओं को 1500 रुपया देने के लिए इनके पास पैसा नहीं। नौजवानों के साथ जो है इन्होंने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए कि 1 लाख नौकरियां देंगे, इन्होंने 2-4 नौकरियों के अलावा प्रदेश में किसी को नौकरी नहीं दी और जो जिन नौकरियों के लिए आवेदन भी गए थे वो भी इन्होंने जो किसी का रिजल्ट नहीं निकाला कीर्तिमान स्थापित किया।
और प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके साथ धोखा हुआ। और इसके अलावा और कई कीर्तिमान हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो बालक स्वरूपी युवराज हैं और उनके हिमाचल प्रदेश में जो सेनापति था, एक शब्द भी संवेदना के नाम से उनके मुंह से कलकत्ता में इतना बड़ी दुर्घटना हुई और पूरे देश जो है, पूरे देश के डॉक्टर जो है सड़कों पे आए, सब लोगों ने उस बात का अफसोस मनाया, पर इनके मुंह से एक भी शब्द जो हम नहीं निकला। और कहते हैं कि हम जगह जगह मोहब्बत की दुकान खुलाते हैं, वो कैसी दुकान है मुझे तो समझ की खासियत है। इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनके लिए कोई जो है गोल्ड मेडल जो है सरकार दे, केंद्र सरकार दे, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो, उस सम्मेलन में इनको जो है नवाजा जाए, यहाँ पर प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस इनको नवाजे, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि प्रदेश में इससे पहले जयराम ठाकुर जी हुए, राजा वीरभद्र जी हुए, रोज पब्लिक से मिलते थे, इन्होंने एक दिन शुक्रवार कर दिया और शुक्रवार को भी कहते हैं कि या तो मेरी तबीयत खराब है या मैं दिल्ली जा रहा हूँ। लोग 8 बजे बैठ जाते हैं, 2-2 बजे तक लोगों से नहीं मिलते। और सबसे बड़ी बात, बड़ी हैरानी की बात है कि इतना बड़ा कीर्तिमान कि हमीरपुर में 16 तारीख को आए, 2 बजे रेस्ट हाउस आए और 2 बजे से 2:30 बजे के लंच किया और जितने लोग खड़े थे किसी से नहीं मिले और जाके IPH के रेस्ट हाउस में जाकर सो गए हैं। और 3 बजे सोए, 7 बजे उठे और 7 से लेकर 9 बजे तक अधिकारियों के साथ बैठ गए। ये बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं आप सबके माध्यम से इनकी तारीफ करता हूं कि हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं जो कर पाया वो उन्होंने किया। और इससे भी बड़ा कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया तो हिमाचल प्रदेश पर 65,000 करोड़ रुपया कर्जा 2022 तक कितने मुख्यमंत्री, कितने सरकारें हुई, कितने वर्षों में हुआ, इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया कि 1.5 वर्ष के अंदर अंदर इन्होंने 35,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ शिमला में आके और उनके लिए सिफारिश करता हूँ कि केंद्र सरकार भी सोचे, कांग्रेस पार्टी भी सोचे और प्रदेश की कांग्रेस पार्टी भी सोचे, उनको बड़े किसी अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। अब आपके को प्रश्न है तो आप देखिए, मेरा आधा जीवन जो है वो 5-स्टार होटल्स में रहते हुए होगा। मैं वेल टू डू हूँ, साधन संपन्न हूँ और 5-स्टार होटल्स के अलावा हम कई बार जो है, हज़ारों बार जो है वो हेलीकॉप्टर और फ्लाइट से हमने फ्लाई किया है। इसमें मैं कहीं हवाई जहाज में जा रहा हूँ, मैं किसी हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, मैं 5-स्टार में जा रहा हूँ रुक रहा हूँ। मुझे लगता है कि किसी सरकार का उसे कोई लेना देना नहीं। अगर किसी को लगता है तो इनकम टैक्स विभाग में शिकायत कर। सर, सरकार गिराने और खरीद फरोख्त क्या कह रहे हैं आप? किसी से कहने से कुछ नहीं होता। 27 तारीख को वोटिंग हुई, हमारी अंतर आत्मा ने कहा, हमारी इच्छा नहीं थी कि बाहर के किसी व्यक्ति को वोट डालें, हमने नहीं डाला। और 27 तारीख को हम विधानसभा में रहे, 28 को भी रहे, 28 के बाद इन्होंने हमें जो है विधानसभा से निष्कासित किया। तो हमने कौन सा एक ऐसा काम किया जिससे सरकार गिराने वाली बात की? इन्होंने तो हमें निष्कासित किया, हमें विधानसभा से निकाल दिया। हमने तो इनको सरकार को गिराने, वोट डालने से कुछ सरकार गिर जाती है क्या? तो ये तो इनके मनगढ़ंत, इन्होंने तो रूप हमारे 15 करोड़ रुपए के भी लगाए। 15 रुपए तो साबित कर दें, 15 रुपए तो साबित करें भाई, किसने दिए, किसने लिए। झूठी FIR दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा। अगर ये कहते हैं कि झूठी FIR दर्ज करा के किसी ऐसे करके हमको जिसको डराएंगे, तो डरने डरने वाला आजकल कोई नहीं, आजकल तो बच्चे नहीं डरते अपने घर में। तो ये रजिंदर राणा थे, उन्होंने अपनी बात रखी है, उसको सरकार पर हमला बोला है और 3 पूर्व विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है, तलब किया गया है, जिसमें करजिंदर राणा है जो कि चुनाव हारे हैं सुजानपुर से, दूसरे दविंदर भुट्टो हैं वो भी चुनाव हारे हैं, तीसरे KL ठाकुर हैं जो कि नालागढ़ से चुनाव हारे हैं। तो आज तीनों की यहाँ पर पेशी है और तीनों से जो है पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद जो है दूसरे विधायक भी निकलेंगे, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे, उससे बातचीत करवाएंगे। लेकिन
मामला खरीद फरोख्त का है। जब राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई थी तो उस दौरान जो है इन्होंने वोटिंग जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट को ना कर बीजेपी के कैंडिडेट को की थी। हर्ष महाजन जो है राज्यसभा के लिए जीते थे और उसके बाद ही इनके ऊपर ये FIR सरकार के CPS और एक विधायक द्वारा करवाई गई है और उसी को लेकर जो है ये पूछताछ चल रही है। हमीरपुर के MLA के खिलाफ भी है, जितने भी 6 लोग थे उनके खिलाफ ये कंप्लेंट है और उसी कंप्लेंट को आधार बनाकर जो है बालूगंज थाने में इनसे पूछताछ की जा रही है। और ये तीन जो लोग थे, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो और केएल ठाकुर, तीनों चुनाव हारे हैं और सुधीर शर्मा चुनाव जीत गए थे और हमीरपुर से जो निर्दलीय विधायक थे वो भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और बरनी PTC न्यूज़ के साथ आपका धन्यवाद।